एक्चुअली हम सब आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं सारा क्राउड सो थोड़ी शांति गाइस प्लीज सेटल नाउ सो आई एम योर बिग फैन या बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज सम नॉइस आई लव यू टू सो सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं अबाउट द मूवी इट्स अ थ्री सर एनीथिंग अबाउट द मूवी प्लीज सर The songs are beautiful, the videos are fantastic, sir. So tell us about the movies, about Hate Story 3, sir, please. भाई ये चाह रहे मैं Hate Story 3 के बारे में बताऊँ आप लोग जानते हैं उसके बारे में चलो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ एक erotic thriller है और क्योंकि thriller है मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा इस कहानी के बारे में लेकिन एक बहुत ही strong कहानी है बहुत complex characters है constant thrills है every 15 minutes there's a twist and turn in the plot एक ऐसी फिल्म है जिसे देख के आप लोगों को बहुत मजा आएगा well so हम सब देखने जाएंगे right guys ये आवाज से मजा नहीं आएगा आज कर बार 300 करोड़ हो गया we want ये 500 करोड़ हजार कर जाए make some noise right guys that's great so thank you so much और क्या कहूँ I'm speechless but Yes, but इतना ही कहूंगा सर आपके लिए कि ये आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं होश उड़ जाते हैं लोगों के जब ये महफिल में कदम रखते हैं so this is your, thank you so much, thank you ma'am and I would like to call Mr. Ravin Bar on the stage, please
our country's finest painter, Mr. Ravin Bar. Make some noise, guys. Come on. Give your signature, please. And this is the gift from Tunisia to Mr. Salman Joshi. Make some noise, come on! That's really incredible. That is excitement, but that logo got excitement. So, bacha ke rakhi. I know that. Boys and girls. That's amazing. That's amazing. I would like to call on stage Mr. Sunil Saran Ghosh from Tune School. On the stage, sir, please. Thanks for all the love. See you on the 4th of December in a theater near you. God bless. Take care. Good night. Have a great day. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Come on, guys. Make some noise for Hate Story 3. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So good. अच्छा लगता है जब इतना प्यार मतलब ऐसे आँख मतलब इन पर्सन देखने मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. यू फील रियली नाइस. यू फील लव्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. एंड अगेन कॉलेज क्राउड इज समथिंग दैट यू नो पीपल. ये जैसे ग्रोइंग जनरेशन है हमारी. सो दीज आर द पीपल हु इज गोना टेक ओवर इन फ्यू ईयर्स. सो इट्स रियली गुड टू बी हियर. गुड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज promotional events and all that. So I think I'm really happy and I yeah. think even Sharma. Well, yeah, achhi baat hai. Ek to the fact that we have a good turnout here, it serves our purpose of promoting our film Hate Story 3, which is up for release on the 4th of December in front of these youngsters, which I possibly believe will be a large chunk of our audience. So we are looking forward to the event here. शर्मा अगर बात करें आज कॉलेज में कॉलेज की प्रमोशन करें कॉलेज में जाए तो आपको अपने स्टाइल के डेज कुछ याद आएंगे या कुछ हो सकता है कि आप स्टाइल को भी डायलॉग मार दें ऐसा कुछ लग रहा है आपको फीलिंग आ रही है सर. यस इट्स बीन अ व्हाइल या बट स्टाइल्स फैन फॉलोइंग इज ट्रेमेंडस. आई एम स्टिल अमेज्ड बाय द काइंड ऑफ लव दैट फिल्म गेट्स. या वेल देखो स्टाइल का कुछ गाना वाना गा देंगे इनके लिए. ओके कॉलेज की अगर बात करें फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो आप दोनों आपसे अगर जानते हैं कॉलेज के ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज आप ऐसे कुछ फेस्टिवल्स में आप अपने आप पार्टिसिपेट करते थे कुछ आप डांसिंग में या किसी टैलेंट को जब शो करते थे कुछ ऐसा कुछ था कोई याद है मेरे केस में. हाँ मैंने जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में डांसिंग का वगैरह काफ़ी किया हुआ है एंड दैट्स वाई माई बैकग्राउंड हैज ऑलवेज बीन दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कोरियोग्राफी एंड ऑल. तो या इट स्टार्टेड ऑफ एज एन हॉबी and later it became a profession. So I think sure. yeah that's how it is. मैंने सिर्फ पहले दो साल अपने कॉलेज के क्लासरूम्स को देखा है. उसके बाद आखिर के तीन साल ग्रेजुएशन वाले उसमें मैंने एक नॉट अ सिंगल ईयर आउट ऑफ दैट आई हैव सीन माय क्लासरूम. क्योंकि मैं इस किस्म की इवेंट्स और इस किस्म के ड्रामेटिक डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व था तो मैं कॉन्स्टेंटली उसी में हिस्सा लेता था और बस एग्ज़ाम के एक महीने पहले पढ़ खुद के आगे निकल लेता है. आई थिंक आई वाज अ ब्लैक लिस्टर एनीवेज इन माय कॉलेज. स्टूडेंट्स को क्या-क्या टिप्स देने वाले हैं आप लोग क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने जाने वाले हैं कपल्स के साथ तो आप लोग क्या टिप्स देने वाले हैं आज के जल्दी से जाकर के कॉर्नर की सीट बुक कर लो तो फिर आपको और मजा आएगा. अच्छा 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है और बॉलीवुड से क्या रिस्पांस मिला है जो अगर शेयर करना चाहेंगे. बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस मिला है. जाहिर सी बात है
जो रिस्पांस आम जनता ने ट्रेलर को और गाने को दिए है, गाने सारे के सारे एटलीस्ट 3 सॉन्ग्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर ह्यूजली पॉपुलर, बड़े हिट्स हो गए. तो ये रिस्पांस हमारे इंडस्ट्री के कुलीग्स भी देख रहे हैं, एंड बहुत ही इनकरेजिंग फ़ोन कॉल्स. और जब भी पर्सनली मिलते हैं तो दे आर ऑल हैप्पी बिकॉज दे ऑल नो व्हाट इट टेक्स, हाउ मच इट टेक्स टू गेट द राइट काइंड ऑफ मूवी देयर and to get this kind of love, they know the kind of hard work that goes in, so they're all happy for us. Okay, ab log se jana chahenge ki censor se ab kya expectation hai, kyunki abhi censor certification mila hai, censorship nahi ho chuki hai, censorship everything has been sorted and the film is up for release on the 4th of December. Censor se hum khush hai aur janta picture se khush rahegi. To kuch cuts wagaira film mein hue hai nahi? Ha, wo to hote rehta hai jaise sabhi film ke sath hota hai, to uske sath bhi hua hai. नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ हेट स्टोरी 4 को प्रमोट करने आए हैं, तो हम हमारी फिल्म वील स्टिक बाय आवर फिल्म एंड फॉर द प्रमोशन. मैंने क्या कहा? आई डिड द जरी ब्लंडर अगेन. ऑलरेडी 4th पार्ट बन रहा है जिसकी बात चल रही है डेजी के साथ, तो डेजी 4th के बारे में सोच रही है. छोड़ी, तो हम हेट स्टोरी 3 प्रमोट करने आए हैं, तो आई थिंक हम लोग उसी के साथ रहेंगे. डांसिंग, जैसे शर्मा ने कहा कि वो स्टाइल मूवी से कोई सॉन्ग प्ले कर, मतलब गाएंगे, तो पता नहीं मैं डांस. वी विल मेक अ मूव एट इट. यस, वी विल डू दैट. बस फिल्म इसमें एकदम लवली सिंपल कट का रोल लेके जाओगे. इसमें देखिए, एज एन एक्टर आपको हमेशा खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए. तो आई एम हैप्पी कि मुझे इस तरह का एक किरदार प्ले करने मिला जो कि जय हो से कम्प्लीटली डिफरेंट था, काफ़ी चैलेंजिंग था, और जिसके अंदर बहुत सारी फिजिकल प्रेपरेशन नहीं पर मेंटल प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी थी. सो आई एम जस्ट पुशिंग द बार फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम जस्ट trying new stuff, and so far the reviews have been really good. मतलब feedback जो मिला है हमको industry से और बाहर के लोगों से, तो वो हिसाब से I think it's working. आपके साथ जरीन भी है, तो equal space मिला है यार? वो आपको movie देखनी पड़ेगी, but then मैं अगर आपको इसका proper answer चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी 4 characters हैं movie में वो equally important है movie के लिए. आई विश मैं आपको ऐसा कुछ दे सकती थोड़ा मसाला, पर ऐसा नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि हम स्क्रीन स्पेस बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं जरीन और मैं. हमारा मतलब वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो वी हैव नॉट शॉट, नॉट इवन वन डे वी हैव शॉट टुगेदर. देखो डायरेक्टर कितने समझदार है, उन्होंने सीन्स ही नहीं रखे इकट्ठे. ओके, इरोटिक थ्रिलर इस मूवी का जो जॉनर है, लेकिन आफ्टर आप जैसे कहा कि सेंसर्ड हो चुकी है मूवी, तो जो इरोटिक का जो एलिमेंट है वो मतलब रिटेन किया गया, तो मतलब ज्यादा चेंज नहीं हुआ है? अडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है और इरोटिक एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज ऑफ कोर्स रिटेन्ड. ओके, एज़ फार एज़ इट गेट्स एन ए सर्टिफिकेट, सो इट्स फाइन, इट्स मेड फॉर दैट. आप रोल भी जो आपने प्ले किया अभी तक काफी इनोसेंट वाला, इसमें थोड़ा सा पावर फैक्टर है, तो कितना नहीं नहीं, वो वही मज़ा आ रहा है ना आपको, ये सवाल वही जाहिर सी बात है कि इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग, तो उसी इंटरेस्ट के लेवल से मैंने भी ये फिल्म की है, और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी. शर्मा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना है, नो कमेंट्स. चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस.